हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, एलविश यादव करने वाले हैं एक रियलिटी शो। जैसे कि एलविश यादव ने पहले भी बताया था कि जल्द ही वो एक रियलिटी शो करने वाले हैं। वो शो कोई और नहीं बल्कि प्लेग्राउंड सीजन 3 है। जी हाँ, एलविश यादव प्लेग्राउंड सीजन 3 में जजेस की भूमिका निभाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेग्राउंड एक गेमिंग शो है जिसके पहले सीजन पे मोर्टल, कैरिमिनाटी, स्काउट और ट्रिगर इंसान जजेस के तौर पर रह चुके हैं। और सीजन 2 पे कैरिमिनाटी, ट्रिगर इंसान, स्काउट, आशीष चतलानी, हर्ष बेनीवाल जजेस की भूमिका निभा चुके हैं। तो अब उनके साथ एलविश यादव भी जजेस के तौर पर आने वाले हैं। इस शो की कुछ क्लिप जो वायरल हो रही हैं, जिस पे एलविश यादव जजेस की सीट पे बैठे दिखाई दे रहे हैं। और एलविश यादव के साथ और कौन कौन से यूट्यूबर आने वाले हैं, ये अभी कन्फर्म नहीं है। ट्रिगर इंसान ने अपनी स्ट्रीम पे ये कंफर्म कर लिया है कि प्लेग्राउंड सीजन 3 पे वो नहीं होने वाले। Why are you not in प्लेग्राउंड सीजन 3? Because यार कुछ और भी कमिटमेंट्स थी इस बार ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नेगोशिएट नहीं कर पाए, ऐसा फिर पर्सनल वगैरह भी अपना ज़्यादा, ऐसा मेरे को लग रहा था बहुत काम ज़्यादा हो गया है। तो आई नीडेड अ ब्रेक। आई बी बैक मे बी नेक्स्ट सीजन, मे बी उससे अगले। जैसे मॉर्टल सीजन 2 में नहीं था बट सीजन 3 में है। और याद रहे कि एलविश यादव ट्रिगर इंसान के भाई फुकरा इंसान के साथ बिग बॉस OTT सीजन 2 पे साथ आए थे, जिसके विनर एलविश यादव थे। हम नहीं जानते कि ट्रिगर इंसान का प्लेग्राउंड सीजन 3 पे ना आने का रीज़न क्या है, लेकिन एलविश यादव का प्लेग्राउंड पर होना भी एक रीज़न हो सकता है कि ट्रिगर इंसान वापस नहीं आना चाहते। तो गाइज, ये थी न्यूज़। आई होप यू लाइक दिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।